तो वीडियो को एंड कर दिया था। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं माता रानी की पूजा करके आई हूँ और शाम का टाइम हो गया है, तो मैं अब डिनर बनाने की तैयारी करूँगी। और आज मुझे बनाने हैं कोफ्ते अपने हस्बैंड की फरमाइश पे। तो फैन ऑफ करते थे यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं है। अभी मैंने मंगाई है लौकी, तो अभी मैं चालू करती हूँ अपना डिनर रूटीन। चलो स्टार्ट करते हैं, ट्राइपॉड को सेट कर देते हैं, फ़ोन को ट्राई करते, सॉरी। तो चलती चलती कपड़े भी वॉश किए मैंने, सारा काम ख़त्म कर दिया। मैं यहाँ पे फटाफट किचन में आके अपने डिनर की तैयारी कर रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज लौकी के कोफ्ते, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मतलब कि उन्होंने, आपको पता है जब मैं कोफ्ते बना रही थी, उनकी ऐसी हरकत थी कि जब मैं पकौड़े तल रही थी, फ्राई कर रही थी, उस टाइम उन्होंने कम से कम उसी टाइम पे उन्होंने 8-10 पीस है जो कोफ्ते के खा लिए। बट काफ़ी अच्छे बनते हैं, आज उनकी फरमाइश थी। मैंने मे बी, मेरे को लग रहा है साल बाद बनाया ये, मैंने पिछले साल भी मुश्किल से बनाया होगा, मैं बहुत कम बनाती हूँ, बट काफ़ी टेस्टी बने थे। और हमेशा ना जो कोफ्ते होते हैं ना, उसको जो उसका ग्रेवी बनाते हो ना, उसको ना मिक्स, जो हमारा ग्राइंडर मिक्सर होता है उसमें ज़्यादा, उसको मसाले को ना ज़्यादा बारीक करके पीसना नहीं चाहिए। तो मैंने चॉपर, जो हमारा चॉपर होता है, उसमें मैंने सारा मसाला मिक्स कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा खड़मा खड़मा ग्रेवी हो ना तो अच्छा लगता है। और सच में बहुत अच्छे बने थे, बहुत अच्छे। और अभी मैंने ये फटाफट फ्राई कर लिया मसाला, मेरा ग्रेवी जो अच्छे से तेल इसने छोड़ दिया था। अब मैं इसमें डालूंगी कोफ्ते 5 मिनट तक। तो देखो ये काफ़ी अच्छा तेल और कलर काफ़ी अच्छा आ गया, इसमें मैंने कोफ्ते डाल दिए। और मैंने ज़्यादा ग्रेवी नहीं डाला था, पानी भी मैंने बहुत कम डाला था, कि जब बॉईल हो गया था तो काफ़ी अच्छे से सब्ज़ी बन गई थी मेरी, और बहुत टेस्टी बनी थी। सब्ज़ी बन चुकी है, ये देख सकते हो आप, इसका कलर, कोफ्ते का कलर बहुत अच्छा कलर आया है। तो अभी मुझे आटा लगा कर रखना है, देन मुझे बर्तन वॉश करने हैं। बहुत काम है यार, जो आज मैं तो बस क्या बताऊँ आपको, ऐसे मेरा दिन निकल गया। अभी हबी गए हैं बाहर, तब तक मैं आटा लगा के रख दूँ, जब तक उन्होंने आना है तो मैं रोटी बनाकर रख दूँगी। और भी मैंने आटा जो है ड्रम में डाला है, तो चलो मैं आटा गूंथती हूँ, फिर मिलती हूँ। ये ना मैंने कल दही जमाया था, तो ऐसे तो कोई दही पिए खाएगा नहीं, तो मेरी सलाह हो रही है कि इसको जो है मैं लस्सी बना लेती हूँ। खाने के साथ लस्सी बहुत अच्छी लगेगी, और साथ में मलाई काफ़ी मेरी इकट्ठी हो गई है, और मैं मलाई भी, मलाई से जो है मक्खन निकाल लूँगी। उससे पहले जो है मैं इसका लस्सी बनाती हूँ, बड़े देखती हूँ अच्छा बन जाए, है ना। ये देखो मैंने लस्सी बना, नहीं बेटे हाथ में डालो ये, हाँ मैं दे रही हूँ, ये देखो मैंने लस्सी बना ली ना अभी, और थोड़ा सा यहाँ पर लग भी गया, मैंने इसमें बनाया। आपने पीना है? ठीक है मामा, आँख बंद करके यो ऐसे क्यों होता है, बोलो हेलो गाइस, ओए उंगली मत डालो। तो ये लस्सी बन गई है मेरी, अब मैं मलाई की जो है मक्खन निकालू। तो यहाँ पे मैंने मक्खन निकालने की तैयारी कर दी, मैंने बस ये मक्खन था काफ़ी दिन का इकट्ठा हुआ, वो मैंने डाल लिया इसमें। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, थोड़ा सा चिल्ड पानी डालूंगी, क्योंकि ठंड है, तो देखते हैं निकाल के, कोशिश करती हूँ मैं। ठीक है, बस जब सब्ज़ी बन गई मेरी, तो मुझे याद आया कि काफ़ी दिन की मेरी मलाई थी। डायरेक्ट तो मुझे घी निकालना पसंद नहीं, क्योंकि इनको मैं निकालती हूँ घी, बट इनको पसंद नहीं, इनको मक्खन खाना बहुत पसंद है। तो इसलिए मैंने मलाई को डायरेक्ट मिक्सी में उसमें डाल के जार में, फिर फटाफट मैंने मक्खन निकाल लिया। सारा काम हो चुका है ख़त्म, तो अभी मैं चेंज करने जा रही हूँ, क्योंकि थक गई हूँ बहुत, और कल हमें कहीं जाना है, उसके लिए चेंज करने जा रही हूँ कपड़े। और यहाँ पे आपको कपड़े लटकते हुए दिखेंगे, जो कि मैं छत में नहीं ले गई थी। और इनके काम देखो, इतनी तेज़ आवाज़ करके, क्या बात है ये यार बेबी, आप मुझे आजकल क्या समझ के बैठे हुए हो हैं, इतना ज़्यादा अनरेस्टिमेट मत, मतलब नज़रअंदाज मत करो इतना मुझे, समझ गए। कपड़े देखो ये है ग्रैनी का असली, ये है ग्रहणी का असली रूप। सारे कपड़े खराब रखे सुबह से, कितना काम किया है ग्रैनी, क्या ग्रैनी मतलब हाउस वाइफ। मैं एक हाउस वाइफ ग्रैनी, 12 बजे उठती है ग्रैनी। अभी 2 दिन से खुशी का स्कूल लगने लगा है, तो 6 बजे उठ रही है, वो भी सारा दिन लड़ती रहती है। झूठ ना बोली बेबी, झूठ ना बोली, ऑन कैमरा जब
ऑन कैमरा है भगवान, इतना झूठा इंसान ऑन कैमरा झूठ बोल रहे कितना है। जब तू आज दो दिन से उठने लगी है जल्दी यार, वो अभी 10 बजे तक अभी रोटी नहीं बनी बेचारे पे। सुना दिया मैंने, वीडियो में शेयर कर दी, झूठ नहीं बोलने का, ऐसे सब कुछ बना दिया मैंने, सब कुछ कर दिया है। तो आए मेरे बाजू दर्द हो रही है, तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहती हूँ, ठीक है? आपका क्या बोलना है? मेरा बोलना है कि तू रेस्ट कर ले, थकी हुई है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, चलो ठीक है गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? बाय, लव यू, गुड नाइट। तो वीडियो को एंड कर दिया था, बट आइसक्रीम खाने की क्रेविंग हो रही है क्योंकि रात के बज चुके हैं 12:30 और हस्बैंड को मन है आइसक्रीम खाने का, तो हम आइसक्रीम खाते हैं। और मैं पहले पानी पीती हूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। बच्चे दूसरे रूम में सोए हुए, यहाँ पे मैंने एसी लगाया है, एसी ऑन किया है, तो देखती हूँ थोड़ा बहुत रूम ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद है जो बच्चों को यहाँ शिफ्ट करूँगी, क्योंकि इस रूम में वो टीवी देख रहे थे तो बच्चे वहाँ सो गए थे। और खुशी को मैंने और दुगू को दोनों को टाइम पे उस रूम में सुला दिया था, क्योंकि खुशी को मॉर्निंग में स्कूल भी जाना है। अभी मुझे अपनी लिपस्टिक भी साफ करनी है जो मैंने उतारा नहीं है। अभी आइसक्रीम लेके चलती हूँ थोड़ा सा अंदर रूम में। किसको वैसे रात को कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग होती है मुझे बताना कमेंट करके। अब मैं आइसक्रीम डाल रही हूँ। चॉकलेट आइसक्रीम लो बेबी। वो पैंट पॉइंट पर रखी उतार के। अरे अब की तो मूवी नहीं खत्म, कौन सी मूवी देख रहे हो अभी? कौन सी मूवी थी देखना? एसी का रिमोट नहीं मिला मुझे, मैं दांत लग गया, थोड़ा लाइट भी खाते ना। ब्राउनी फ्लेवर का है ये, इसको ना बैठ जाओ। बेबी क्या बोलते हो यार, तुसी बात बात से क्या बोल ली जाते, कुछ समझ नहीं आता है। तो चलो आइसक्रीम खा लिया हमने, मैं यहीं पे रोक देती हूँ इस वीडियो को, क्योंकि क्रेविंग हो रही थी आइसक्रीम की, मीठे की। और हर ये कौन सी मूवी है वैसे? हर किसी घर में बहुरिया। हाँ बहुरिया, बहुरिया पता नहीं कौन कौन सी मूवी, प्राइम वीडियो में आ रही है ना, प्राइम में पता नहीं कौन कौन सी मूवी देखते रहते हैं ये। तो चलो अब सोते हैं, गुड नाइट। नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, हाई मेरे दांत में यहाँ लग गया। आइसक्रीम खा लो फिर मेरे को थोड़ा सा दे देना। चलो ठीक है, बाय।